आंधी तूफान के रात में गोविंदपुर गांव का एक लड़का राहुल साइकिल चलाकर जा रहा था। हाथ में छतरी लेकर तेजी से जा रहा था डॉक्टर साहब के पास। बहुत ही लंबा रास्ता था, लेकिन जितना हो सके उतना जल्दी उसे डॉक्टर साहब के पास पहुंचना ही होगा, क्योंकि उसके पापा के सीने में अचानक से बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा। वहाँ राहुल की माँ अपने पति का हौसला बढ़ा रही थी। उससे अब और सहन नहीं हो रहा। अब थोड़ा शांत होकर सो जाइए ना। राहुल तो गया ना डॉक्टर साहब को लाने के लिए, अब भी आ जाएगा वो डॉक्टर को लेके। आप थोड़ा शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं होगा। आप अभी अभी डॉक्टर को लेके आ जाएगा। सच में आएगा? ऐसा ऐसा मत बोलिए, आप चुप होके सो जाइए, आप थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए, डॉक्टर साहब खोलिए, जल्दी खोलिए। कौन? दरवाजा खोलिए। इतनी रात को किसे क्या हुआ? मैं गोविंदपुर से आया हूँ, मैं गोविंदपुर के मास्टर मनोहर जी का बेटा हूँ। उनके सीने में बहुत दर्द हो रहा है, वो दर्द से बहुत चिल्ला रहे हैं। आप चलिए ना मेरे साथ। वो तो मैं आ सकता हूँ, लेकिन इतनी रात को इतनी बारिश में कैसे आऊँ वो बताओ। आप मेरे साथ बैठ जाइए साइकिल में छतरी पकड़ के, मैं आपको किसी भी हालत में ले जाऊंगा, प्लीज मेरी। हाँ ठीक है, तुम रुको, मैं अपना बैग लेकर आता हूँ, ठीक है। तेजी से साइकिल चला के राहुल डॉक्टर साहब को लेकर अपने घर की ओर चलता है। तब तक बारिश भी बहुत ही कम हो चुकी होती है। देखिए क्या लग रहा है डॉक्टर साहब। देखो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैं 15 मिनट पहले आता तो तुम्हारे पिताजी की जान बच जाती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। अब आप खोलो, अब हमको छोड़ के नहीं जा सकते हो, आप नहीं जा सकते। हम कैसे जिएंगे आपके बिना? आप कुछ बोलिए डॉक्टर साहब, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं क्या करूं? नहीं 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 नहीं, सब खत्म नहीं हुआ, आपका बेटा है ना आपके लिए। माँ आप शांत हो जाइए, कृपया रोना बंद करिए। राहुल तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते, शायद हमारे पास एक गाड़ी होती तो कुछ हो सकता था। गाड़ी से तुम्हारे घर में जल्दी आ सकता था और तुम्हारे पिताजी भी बच जाते। कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। राहुल अब तुम पे बहुत जिम्मेदारी है। हाँ डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद मनोहर मास्टर का अंतिम संस्कार बहुत ही अच्छे से हो जाता है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन राहुल साइकिल चलाकर कॉलेज से वापस आ रहा था, तब उसने रास्ते पर देखा कि एक आदमी ठेला लगाकर बच्चों के खिलौने बेच रहा था। खिलौना गाड़ी ले लो, खिलौना गाड़ी ले लो, 50 रुपए के दो ले लो। हे ऊपर वाला, अगर 50 रुपए में सचमुच गाड़ी मिलती तो मेरे पिताजी को इस तरह मरना ना पड़ता, और हमारे पास भी एक गाड़ी होती तो ऐसे ही मेरे पिताजी को जाना ना पड़ता। मेरे पिताजी बहुत साल तक जिंदा रहते। अगर सच में हमारे पास मोटर गाड़ी होती तो हम उसे इस्तेमाल करते और पिताजी को सही सलामत हॉस्पिटल ले जाते। तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? कौन? आंखें खोल के देखो राहुल, मैं तुम्हारे सामने आ गया। क्या बेटा, तू डर गया क्या? माँ तुमने मुझे बुलाया? नहीं तो तू कुछ सपना देखा होगा। हाँ फिर ऐसा ही होगा कि सपना देखा होगा। दोबारा सो जाता हूँ। क्या राहुल, तुम दोबारा सो गए? मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है, जल्दी उठो। कौन कौन बोल रहा है? अभी लाइट चालू करके देखता हूँ। अरे मेरे बिस्तर में खिलौने वाली गाड़ी कहाँ से आई? मैं तो लाया नहीं था। मैं कोई ऐसी वैसी मामूली गाड़ी नहीं हूँ, जादुई गाड़ी हूँ, जादुई गाड़ी। और बात भी करती है? मैं हूँ उड़न खटोला गाड़ी। शाम को तुम मेरे बारे में सोच रहे थे ना, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। अब मैं आ गया हूँ ना, अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो एक खिलौना गाड़ी हो, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो कल सुबह तुम्हें समझ में आ जाएगा। कॉलेज जाने से पहले उड़न खटोला बोला तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है ठीक है, अब तुम सो जाओ, अब मैं कल मिलूंगा, सो जाओ, टाटा। ये सब क्या हो रहा है? ये जो अभी मेरे साथ हुआ, ये सब सपना था या सब कुछ सच था? चलो कोई बात नहीं, कल सुबह उठ के पता लग जाएगा कि सब कुछ सच है या झूठ। रोज 5 किलोमीटर साइकिल चला के मैं कॉलेज जाता हूँ। आज देखता हूँ, देखते हैं कि आज उड़न खटोला मुझे कैसे ले जाता है। चलो एक बार बुलाकर देख ही लेता हूँ। उड़न खटोला, उड़न खटोला, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ,
मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ये लो राहुल, मैं आ गया। वाह चमत्कार, पर तुम तो बहुत छोटे हो और एक खिलौना गाड़ी हो, तुम मुझे भला कैसे लेके जाओगे? आप देखो मेरा चमत्कार। अरे वाह, आप जल्दी से मेरे अंदर आके तुम बैठ जाओ। पता है हमारे गांव का रास्ता बहुत ही खराब है, अगर ये शहर का रास्ता होता तो तुम मुझे और जल्दी ले जाते और मैं जल्दी ही कॉलेज पहुंच जाता। सही कहा ना? आप देखो मेरा दूसरा मैजिक। ये क्या, ये सब कुछ सच हो रहा है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? साफ सच है। लो राहुल, तुम्हारा कॉलेज आ गया। धन्यवाद, आज शाम को 5 बजे दोबारा आ जाना यहाँ पर। हाँ, अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आ जाऊँगा। इस हिसाब से जादुई गाड़ी राहुल के साथ अपना पूरा जीवन गुजार रही थी। गांव में अगर कोई भी मुसीबत में हो तो राहुल जादुई गाड़ी लेकर पहुँच जाता था। गाँव में अगर कोई भी बड़ी मुसीबत आए तो सारे गाँव वाले राहुल को ही याद करते थे। एक दिन ऐसे ही राहुल जादुई गाड़ी को लेकर अपनी कॉलेज की ओर जा रहा था, और जैसे ही राहुल नीचे देखता है तो नीचे कई सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। अरे उरन खटोला, नीचे तो बहुत भीड़ लगी हुई है, चलो जाकर देखते हैं, कोई माजरा लगता है, जरा नीचे लो तो। मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मेरा पैर टूट गया, कोई तो मुझे मुझे बताओ कि ये बूढ़ी अम्मा को अस्पताल कैसे ले जाएंगे? बताओ। मेरा पैर टूट गया। मैं ले जाऊंगा अस्पताल, आप लोग चिंता मत करिए। अरे वाह राहुल आ गया, अब तो कोई चिंता की बात नहीं। चलो अम्मा चलो। तुम मुझे ले जाओगे? उसके बाद राहुल बूढ़ी अम्मा को लेकर अपने उड़न खटोला में ले जाता है। पूरा दिन वो बूढ़ी माँ के साथ अस्पताल में बैठा था, इसलिए वो कॉलेज में भी नहीं गया। घर आने के बाद अपनी माँ को राहुल पूरी कहानी बताता है और उसकी माँ बहुत गुस्सा करती है। अच्छा बेटा, कॉलेज नहीं जाके तू ऐसा समाज सेवा करोगे तो इससे क्या तुम्हारा पेट भरेगा? पढ़ाई नहीं करना है क्या? कॉलेज जाओ बेटा, कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करोगे तो जॉब कहाँ से मिलेगी? लेकिन माँ, मेरे पास उस समय कोई भी रास्ता नहीं था, बताओ मैं क्या करता? गाँव में तो इतने लोग हैं, कोई ना कोई उसको हॉस्पिटल ले जाते थे, तुम्हारा जाना इतना जरूरी नहीं था कि कॉलेज बंद करके चले गए। सुनो मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, पहले पढ़ाई उसके बाद दुनियादारी, समझ गए? ठीक है, उड़न खटोला मैं कल ही जमींदार को दे दूंगा, अब तो आप खुश है ना माँ, बोलिए ना। अगले दिन राहुल अपना उड़न खटोला लेकर जमींदार के पास पहुंच जाता है। राहुल जमींदार से कहता है कि गांव वालों की मदद के लिए ये उड़न खटोला हमेशा आपके पास रहेगा और इसकी जिम्मेदारी आपके पास रहेगी। अब मैं सब कुछ आपके हाथों छोड़ के जा रहा हूँ जमींदार साहब, आप सब कुछ संभाल लेना। अरे हाँ भाई हाँ, ना बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, ठीक है? अब इस उड़न खटोले से मैं सबकी मदद करूंगा, मैं जमींदार हूँ, ये मेरा फर्ज है। ठीक है, अब आप सब कुछ संभाल रहे हैं तो चिंता किस बात की। उसके बाद राहुल अपना उड़न खटोला जमींदार के पास छोड़कर पैदल घर चलने लगता है। लेकिन जमींदार के दिमाग में कुछ अलग ही लालच चल रही थी, उस उड़न खटोले को लेकर एक व्यापार की तरकीब सोच ली थी। जिसे भी मदद चाहिए उसे उड़न खटोला दे देता था और उसके बदले में वो पैसा, सोने की मोहरे ये सब लेता था और सबको लूटता था। मैं मानता हूँ कि आपने उड़न खटोले में लेकर मुझ पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है, लेकिन आप मुझसे इतनी ज्यादा जमीन मांग रहे हैं। अगर ये जमीन मुझे नहीं मिली तो मेरा आदमी आके तुम्हारा दूसरा आदमी तोड़ कर चले जाएगा, समझे? अभी के अभी इस पे दस्तखत कर दे। जमींदार के जो मन में आए वो करता था, गांव वालों की उड़न खटोले से मदद करने के बाद सभी को लूटता था, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। एक दिन रात को वो अपनी सीढ़ी से उतर रहा था और अचानक से धड़ाम करके नीचे गिर गया। मेरा कमर! उस वक्त जमींदार उड़न खटोले को बुलाता है हॉस्पिटल जाने के लिए, लेकिन उड़न खटोला अपना छोटा सा रूप धारण करके वहाँ पहुँच जाता है। खटोले मुझे अस्पताल ले जाओ।
मैं आपको नहीं ले जा सकता जमींदार साहब, आपसे मैं सिर्फ खिलौना के रूप में ही रहूंगा, क्योंकि मैं घमंडी और चोर लोगों की मदद नहीं करना चाहता। अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे ले जाओ। मैं सिर्फ मेरे दोस्त राहुल की बात ही सुनूंगा, क्योंकि राहुल सिर्फ एक सच्चा इंसान है और लालची भी नहीं है। अरे कोई है, कोई राहुल को बुलाओ, मेरी मदद करने के लिए कोई राहुल को बुलाओ। अरे मेरी कमर टूट जाएगी। इसके बाद पहरेदार जाकर राहुल को बुला ले आता है जमींदार के पास। जमींदार सब कुछ बताता है। राहुल राहुल तुम मेरी मदद करो, ये दर्द मुझसे सहन नहीं हो रहा। राहुल मेरी मदद करो। आप वादा करिए कि उड़न खटोला के नाम से किसी को परेशान नहीं करोगे, किसी को मदद करने के बहाने उसे ठगना भी मत। मुझसे वादा करो, करिए वादा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी, पर मुझे पहले अस्पताल ले जाओ वरना मैं मर जाऊंगा। राहुल मुझे अस्पताल ले जाओ। राहुल मैं वादा करता हूँ ऐसा नहीं। जाओ उड़न खटोला, जमींदार साहब को हॉस्पिटल लेके चलो, जाओ जल्दी जाओ। हाँ जाओ। फिर जादुई उड़न खटोला जमींदार को अस्पताल ले जाता है। जमींदार के ठीक होने के बाद जमींदार बिल्कुल ही बदल जाते हैं। वो सारे गांव वालों की मदद करते हैं बिना स्वार्थ के, एकदम बदल जाते हैं।